Cause we be on a tough love. Are we feeling so high? This is Misha, welcome back to my channel again, Custommania. So guys, I hope कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जैसे कि टाइटल थंबनेल आपने देखा होगा, आज हम अपनी कार के आर्मरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, अपनी गाड़ी में जो है आर्मरेस्ट लग चुका है और कुछ अलग ही डिज़ाइन का आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगा, प्लस इसके अंदर आपको स्पेस भी देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो उसके ऊपर होने वाली है कि ये मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और फिटिंग के ऊपर हम बात करेंगे इसकी कैसी इसकी फिटिंग है। पहले इस आर्मरेस्ट को गाइस हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको बाहर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसा ये है, और उसके बाद फिट करेंगे अपनी गाड़ी के अंदर, और उससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि इसे फिट कैसे करते हैं, कितनी प्रॉब्लम इसको फिट करने में आती है नहीं आती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फिटिंग की बात करें कि इसकी फिटिंग कैसी आती है, तो आप देख सकते हैं कि सामने से इसकी फिटिंग ओके है, बिल्कुल ऑल्टो यूनिट के लिए बना गया है और इस गाड़ी में आराम से फिट हो जाता है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत प्रॉपर फिटिंग नहीं है। साइड में आप देख सकते हैं स्क्रैचेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत लाइट हैं, पर उस साइड कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट करते करते हो गए हैं, क्योंकि जब सीट आगे पीछे होती है ना तो वो इसमें बार बार लगते रहता है, इसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टूट चुका है। और मैं से वैसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, इसको आप कह सकते हो कि 15 से 20 दिन हो गए मैंने अपनी गाड़ी में लगा लिया था पहले ही ये। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे अंदर स्पेस की बात करें कि इसके अंदर आपको कितनी स्पेस देखने को मिल जाती है, तो बहुत डीप नहीं है, कह सकते हो कि इतना है, आपको इतनी स्पेस इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से, ज़्यादा डीप नहीं है और क्वालिटी वाइज ओके है। बट गाइस, ये वाला जो है अपना प्लास्टिक वाले से काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि प्लास्टिक वाला मेरे पास ऑलरेडी है और उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो बेसिकली मैंने दो वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने वुडन वाला पहले कंपेयर कर दिया है और प्लास्टिक वाले के साथ, और एक सिर्फ प्लास्टिक के इंस्टॉलेशन के ऊपर भी बनाई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्या ये चीज़ गाड़ी में लगाना वैल्यू फॉर मनी होता है या नहीं होता, देखो भाई ऐसा होता है, गाड़ी कोई सी भी हो, चाहे ऑल्टो हो, कोई सी भी कार हो जिसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है, स्पेसिंग मिलती है तो आप इस चीज़ को ज़रूर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ये गाड़ी के अंदर आपको फील कराता है। जैसे आपकी गियर शिफ्टिंग पूरी हो जाती है उसके बाद आप इसके ऊपर आराम से हाथ रख सकते हैं, तो मतलब हाथ को भी काफ़ी अच्छा रेस्ट मिल जाता है, प्लस इंटीरियर का लुक भी काफ़ी अच्छा कर देता है अगर आपका इंटीरियर मैचिंग है। जैसे मेरा ब्लैक का आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन है, तो ये मैंने ब्लैक में बनवाया है। मैं ये चाह रहा था कि इसके ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ना वाइट के हैं, ये अगर ब्लू में मिल जाते तो और मज़ा आता था, बट ये वाइट में अवेलेबल थे तो नॉर्मल से तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है ये वाला पैटर्न लगे रहने दिया। इसलिए ये दो कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई और कलर लेना चाहो तो आप और कलर में भी इसे बनवा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक में बनाया, ऐसी सेम अपना जो है बेज कलर में भी बन जाता है। और अगर हम कुशनिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कुशनिंग इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, मतलब आराम से आप हाथ रखेंगे ना तो आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इसमें, और मतलब एक लगता है थोड़ा प्रीमियम फील गाड़ी के अंदर ही दे देता है। तो अब अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें कितने का आपको देखने को मिलता है, तो गाइज़ ये जो है आपको अप्रॉक्स 650 का मुझे मिल गया था। अगर आप इसी चीज़ को ऑनलाइन देखेंगे जो सिंपल ब्लैक में आती है वो आपको 1000+ देखने को मिलती है, इसलिए आप कोशिश करो कि अपने लोकल स्टोर में जाके वहाँ बार्गेन करके इसे लो। ऑनलाइन लोगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा, बट अगर आपके वहाँ नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। कभी इसकी डील 1400 रुपये भी चल रही होती है, कभी ये थोड़ा सस्ता भी आता है, 700-800 में भी आपको देखने को मिल जाता है, बट बात ये है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले तो भाई ये एक बहुत अच्छा आपको कंफर्टेबल गाड़ी के अंदर फील कराता है और इसने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है गाड़ी के अंदर। अगर इस चीज़ को लगाते हैं तो मतलब गाड़ी का लुक भी काफ़ी चेंज हो जाता है इंटीरियर का, तो ये भाई बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है। प्राइसिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल है, कोई भी इसे आराम से ले सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से 600 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है गाड़ी में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक भी आपको सेम इतने का ही देखने को मिलता है, पर प्लास्टिक वाले में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस गाइस, उसको कभी मत लेना। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा, फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, प्लास्टिक वाला जो होता है ना गाइस, वो टूट जाता है, क्योंकि जो गियर लीवर का पैनल होता है उसमें फिट होता है नट से, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ टाइम बाद उसमें जब लोड पड़ता है तो टूट जाता है, तो वो कोई भी ज़्यादा ऐसे लंबा टाइम तक नहीं चलता है, कुछ ही दिन चलता है, मतलब एक महीना भी चल जाए बहुत बड़ी बात है।
चलता है उनके लिए जो बिल्कुल उसमें लोड नहीं रखते हैं, हाथ का रेस्ट वगैरह कुछ नहीं देते हैं उसमें, तब तो फिर वो चल सकता है लंबा। बट अगर आप उसमें जैसे नॉर्मली इसको आप लोड डालेंगे इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वुडन का बना है और प्लास्टिक वाला आपको पता ही है कि कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों हर चीज़ की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, तो इस प्रोडक्ट की भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस तो मैं क्या कहूँ भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये इसकी क्वालिटी मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि थोड़े समय फट चुका है। और ये मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है कि इसकी फिटिंग बहुत प्रॉपर नहीं है, एडजस्ट करके हमने इसे फिट कराया है। जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हो चुका है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो, जैसे ना सीधा नहीं जा रहा है, थोड़ा ऐसे स्लांट टाइप में हो गया है। तो ये अंदर फिट होते होते इसमें ऐसा टेढ़ापन आ गया है। और क्वालिटी मतलब सही है भाई, देखो जगह जगह से थोड़ा बहुत ये निकल जा रही है, और पीछे से भी मैं देख रहा था तो यहाँ पे भी निकल चुकी थी, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। वैसे कोई ज़्यादा इशू नहीं है इसमें और ठीक है बाकी। और ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, अच्छा ये गाइस की ना पूरा ऐसे पूरा हिलता है ये, देखो आप थोड़ा लोड ज़्यादा डाल देंगे तो बैंड हो रहा है, मतलब एक लचक कहते हैं ना वो बीच में इसमें आ रही। तो बहुत हार्शली इसके ऊपर हाथ नहीं रख सकते हैं, थोड़ा आराम से ही रखना पड़ेगा, मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत लोड नहीं डाल सकते हैं, नॉर्मली रखेंगे, पर प्लास्टिक से तो कहीं ज़्यादा इसमें लोड डाल सकते हैं, और ये प्लास्टिक से अच्छा भी चलता है। अब इसको अपनी गाड़ी में फिट करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिट होता है, कितनी इसमें प्रॉब्लम फिट करने में आती है और कितने आराम से फिट होता है, वो आप देख के अंदाज लगा सकते हैं। जब से स्टार्ट हुई ऑल्टरनेट तब से अभी तक के किसी मॉडल में आराम से फिट हो जाएगा, इवन कोई और कार है उसमें भी फिट हो जाएगा। बट आपको वहाँ पे पहले पता करना पड़ेगा कि उस गाड़ी के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो वो बक्कल है ना वो निकल भी चुका है, और वो इसी की वजह से निकला है क्योंकि जो है ना बार बार उसे डैमेज कर दे रहा है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। गाड़ी के अंदर आर्मरेस्ट को तो अच्छे से लगा लिया है और मतलब बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग हो गई है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं साइड से इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ना ये चिपक जाते हैं इसमें, जिसमें हम सीट को अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं ना, तो सीट आगे पीछे करने में प्रॉब्लम आती है इसमें, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अटक जाता है, सीट होती है पर थोड़ा बहुत इनमें ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। इस साइड से भी आप देख सकते हैं कि फिटिंग इसकी बहुत ज़्यादा मतलब टाइट है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें हैंड ब्रेक की, तो हैंड ब्रेक ऐसे ऊपर नीचे करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा बहुत इसको आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ना हमें पावर विंडो को ऊपर नीचे करने में कोई प्रॉब्लम आती है, सही से ही काम करने लग जाती हैं। और शिफ्टिंग में तो भाई मज़ा ही आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से हम शिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसमें शिफ्टिंग करने में। बाकी अगर आप इसे चाहें तो थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा पीछे भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें स्पेस पूरी रहती है आगे पीछे, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और गाइस एक चीज़ और है कि अगर आप चाहोगे तो इसके पीछे यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, और मेरे ख्याल से वो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से अपनी कार में इंस्टॉल करने का, बिकॉज वो काफ़ी सही चीज़ है भाई। गाड़ी के अंदर पता नहीं कहाँ से मच्छर आ गए, तो किसी शायद मच्छर जो है वो परेशान ना करें, ठीक है। बाकी गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी सही आर्मरेस्ट लग रहा है मेरे को। बाकी वैल्यू फॉर मनी है, ऑल्टो में आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं इसे, बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। तो गाइज अभी मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि अपनी जो ये सीरीज़ चल रही है इंटीरियर मॉडिफिकेशन के ऊपर, तो इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का, बट मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई रियर वाइपर वाला सिनेरियो लाओ, तो मतलब अपनी गाड़ी में जो रियर वाइपर है ना उसे इंस्टॉल करो। तो क्या करें भाई, अगली वीडियो रियर वाइपर के ऊपर स्टार्ट करें। देखो भाई अपना इंटीरियर का जो काम है ना, मतलब सीट कवर डल के फ्लोरिंग हो गया, मैट्स आनी है, थोड़ा सा डोर का काम है, बाकी और इंटीरियर में ज़्यादा वर्क नहीं है। थोड़ा ये आगे से यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ब्लू ये सब चेंज करना है, तो इतना ही इसमें काम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर रियर वाइपर का काम स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी देखते हैं, तो जैसा आप सब कहेंगे वैसे ही करेंगे। कमेंट्स तो मुझे काफ़ी सारे आ रहे थे कि भाई रियर वाइपर के ऊपर वीडियो बनाओ, तो चलो देखते हैं आगे कैसा होने वाला है। अगर आपको ऐसा आर्मरेस्ट लेना होगा तो मैं वैसे आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एक लोगो स्टोर में जाके परचेस करो, ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर आपको फिर भी ऑनलाइन चेक करना है, क्या पता प्राइस डाउन रहे, तो मैं कोशिश करूँगा बेस्ट बाय लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँ, और ऑल्टो के लिए लगाऊंगा फिलहाल। तो अगर किसी और कार के लिए चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। बट फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोगो स्टोर से खरीदो, ऑनलाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा, बट अगर आपके वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन से ले सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगली मज़ेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।